अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा राजा का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हम अपने क्विक रिवीजन सीरीज जो है जिसमें 100% सक्सेस सीबीएसई एग्जामिनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और हिस्ट्री में आज हम इस रिवीजन सेट 6 में मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक फिर से डिस्कस करने वाली हूं विद द न्यू 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड वॉर्स ऑफ रोमन कॉइंस हैव बीन फाउंड। तो वॉर्स ऑफ रोमन कॉइंस यानी रोमन कॉइन का भंडार जो है कहां से मिला भारत में। इट इज फ्रॉम वेयर, इट इज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो भारत के कहां से मिला है, साउथ इंडिया से। तो साउथ इंडिया जो है वो रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं थी, बट इट वाज दैट, इट वाज व्हाट, इट वाज अ ट्रेड रिलेशन बिटवीन साउथ इंडिया एंड द रोमन एम्पायर व्हिच प्रूव दैट, कहां जिसकी वजह से ये पता चलता है कि रोमन ट्रेड जो है वहां पर हो रही थी, क्योंकि साउथ इंडिया में गोल्ड कॉइंस मिलने की वजह से ये पता चलता है कि वहां पर रोमन्स जो है वो किस लिए आते थे, दे कम टू विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस फॉर द ट्रेड पर्पस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मौर्य एम्पायर कम टू एन एंड। तो मौर्य एम्पायर जो है वो कब खत्म हुई, व्हेन इट कम टू एन एंड। सो देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए 320 कॉमन एरा, ऑप्शन बी 321 बिफोर कॉमन एरा एंड ऑप्शन सी 185 बिफोर कॉमन एरा। तो इन तीनों डेट को आपको हाईली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या है। देखिए 320 CE एंड 321 BCE, डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट। सो 320 कॉमन एरा एक्चुअली द बिगनिंग ऑफ व्हाट, इट इज द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता रूल। इट इज व्हाट, बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ द गुप्ता रूल्स। तो गुप्ता रूल्स जो है कब से शुरू होती है, 320 कॉमन एरा। देन व्हाट इज दिस 321 बिफोर कॉमन एरा। 321 बिफोर कॉमन एरा इज एक्चुअली द एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द करेक्ट आंसर। तो आपको पता चल गया, नाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, द करेक्ट आंसर इज 185 BCE बिफोर कॉमन एरा। सो इसके साथ साथ हमने दो डेट्स को और स्टडी कर लिया, दैट इज 320 कॉमन एरा, दैट इज द बिगनिंग ऑफ विच एम्पायर, दैट इज द गुप्ता एम्पायर और द गुप्ता रूल एंड 321 BCE, दैट इज द एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड 185 BCE, दैट इज द एंड ऑफ द मौर्य एम्पायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मल्टीपल चॉइस बेस्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर फाउंड इन द एंशिएंट पीरियड एक्चुअली। तो कितने तरह के मैरिजेस को मेंशन किया गया है, ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 8, नो सॉरी ऑप्शन बी 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो है मनुस्मृति में मेंशन किया गया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है उसमें बताया गया कि 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस एंड अमंग देम फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस व्हिच वर एक्चुअली गिवन for those who are practicing the norms and that is the good type of marriages and other 4 types may be practiced by other people, those who did not follow the rules and regulation given by the brahmanas. Now the question number 4, who was the editor of the present edition of Mahabharata? So present edition of Mahabharata ke editor kaun the, that is B.S. Suktankar. V.S. Suktankar was the editor of the present edition of Mahabharata और इसे complete करने में उन्हें almost 47 years लगे। Now question number 5, mention the difference between endogamy and exogamy. Endogamy और exogamy actually क्या है? It is a type of marriage. This one it is the different types of marriage के forms of marriage में से आते हैं endogamy and exogamy. Endo मतलब enter अंदर, एक्सो मतलब बाहर, इसे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, आप गलत नहीं। इन ट्रिक्स को आपको याद रखना है, एंडो दैट इज फ्रॉम इनसाइड एंड एक्सो दैट इज आउटसाइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस, एंडोगैमी मींस मैरिज विद इन द यूनिट, उसी यूनिट में शादी कर लेना, उसी कुल में शादी कर लेना, and exogamy means that is marriage outside the
यूनिट, ये हो गया। इसके अलावा पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री भी है। पॉलीगैमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ वन, द प्रैक्टिस ऑफ सेवरल वाइव्स, यानी एक से ज्यादा वाइव्स की जो प्रैक्टिस होती है उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीगैमी। एंड पॉलीएंड्री प्रैक्टिसेस ऑफ वाइव वन, प्रैक्टिसेस ऑफ अ वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। और पॉलीगैमी मीन्स व्हाट, प्रैक्टिसेस ऑफ वाइफ, प्रैक्टिसेस ऑफ किसके प्रैक्टिस करना, यानी एक हस्बैंड लेकिन उनके बहुत सारे वाइव्स होना, हैविंग सेवरल वाइव्स एंड ऑन द अदर हैंड हैविंग सेवरल हस्बैंड, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स रिकैपिटुलेट, फ्रॉम वेयर डिड कोर्स द रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड, इट इज फाउंड फ्रॉम साउथ इंडिया। तो इट मे बी आस्क्ड दैट इज द साउथ इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, नो इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, दो दे हैव एक्चुअली दे हैव द साउथ इंडिया and Roman Empire have the trade relations. Now question number 2 also, when did Mauryan Empire come to an end? It come to an end in A185 BCE, before Common Era. In what is the year of the beginning of the Gupta Empire? That is 320 Common Era. And when did Chandragupta Maurya access in the throne? That is the 321 BCE. And how many types of marriages were mentioned? That is in ancient India, that is the 8 types of marriages. Who was the editor of the present edition of Mahabharata? V.S. Suktankar. Mention the difference between endogamy and exogamy. These are the forms of marriages. Endogamy means marriage within the unit, and exogamy means marriage outside the unit. So, thank you for watching this video. I hope that aap log ye sare topics related sabhi questions ko एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। आशा करती हूँ इनमें से सारे आपके सजेस्टिव्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।